Hi everyone, welcome back to my channel Beauty and Rishna. I hope you all are doing well. So in today's video I'm gonna react into again a very requested video of Manji and us video ka naam hai college. Yes, college ke maine I think iske live show pe reaction diya hai. Don't know wo kaun se jagah ka live show tha, but main iske live show pe reaction de chuki hoon. ठीक है, बाकी बात रिक्वेस्ट आती है कि भाई इसके आप ना वीडियो पे रेशन दो, देखते हैं कि क्या निकलता है इस वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो कॉलेज के ऊपर बेस्ड है एंड आई मीन कॉलेज, सो लेट्स सी क्या निकलता है ना इस वीडियो के, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये सॉन्ग कॉलेज के फ्रेंड्स के ऊपर होगा या फिर जिस तरह की लाइफ एक बंदे को, मतलब एक बच्चे को कॉलेज में आके मिलती है, फिर उसके ऊपर होगा. लेट्स सी क्या निकलता है ना. सो यार, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप मुझे पहले पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसे लगी है. एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो मैं किस वीडियो रेशन दूँ, मैं जरूर उन वीडियो से रेशन दूँगी. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड स्नैपचैट, ऑल्सो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, गो एंड चेक इट आउट. डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा सेकंड चैनल का मिल जाएगा, आप उसका जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं. उस पर मेरी अभी वीडियो नहीं आई है, बट फॉर श्योर इन फ्यूचर उस वीडियो आएंगी. ठीक है, सो या विदाउट एनी फर्दर अडू इट्स क्विकली गेट स्टार्टेड गाइस. मैं खड़े खड़े थक रही हूँ, बट क्या कर सकते हैं हम. किधरे भी कॉलेज कोलो लंघदे आ, गल्लां फेर पुरानियां चेते आउंदियां ने, यार पुराने जद किधरे मिल जांदे ने, सारी रात फिर यादां जश्न मनाउंदियां ने. जद किधरे भी कॉलेज कोलो लंघदे आ, गल्लां फेर पुरानियां चेते आउंदियां ने. पग बननी पर आखरी लड़दा लोट ना आना, औखा लगदा सी सिर उत्ते हेलमेट पाउना, चंगा लगदा सी पुलिस नू पिछे लाउना, फुल रेस ते सड़कां उत्ते बुलट पजाउना. चट पूट जद शहर च डेरा लाउंदे ने, लोकड़ वर्गियां लालियां मस्के लाउंदियां ने. किधरे भी कॉलेज कोलो लंघदे आ, गल्लां फेर पुरानियां चेते आउंदियां ने. कंधां टपके लोकां दे घर पीपिंग करना, बिन पौड़ी तो इश्क च थर्ड फ्लोर ते चढ़ना, बोतल लेके ठेके उत्तों दुड़की होना, मुर्गी नहीं शामी कोई सामी चोना, लम्मा कद रंग गोरा तोरे ओए बिल्ली जही, अज भी सुपने दे विच फेरा पौंदिया ने. जद किधरे भी कॉलेज कोलो लंघदे आ, गल्लां फेर पुरानियां चेते आउंदियां ने. पेपर आउणा पर पेपर च कख ना आउणा, सारी सारी रात बह के पर्चियां बनाउणा, एग्जामिनर नाल कोई जाके जुगाड़ जा लाउणा, फिर घर दी कड्डी फलाउणा. ए जिंदगी हुंदी है भई अलजबरे जई, रट्टे नाल थे होर मां किते आउंदियां ने. बैठ स्टूसी उत्ते जेड़ा पाया गिड़दा, हटियो जन्नत जिथे हुस्न इश्क है पिड़दा, ओस कुड़ी दा जिक्र है छिड़दा, किथे है किदा है माना फिक्र है छिड़दा, शायद कमली राजां दे किते मिल जावे,
सतरा मुड़ मुड़ मेरी आस जगाउंदियां ने यार पुराने जत्थे मिल जांदे ने सारे रात फेरे यादां जश्न मनाउंदियां ने सारे रात फेरे यादां जश्न मनाउंदियां ने। तो ये सॉन्ग बेसिकली कॉलेज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, मतलब कॉलेज के बच्चों के ऊपर बेस्ड है। बट ये चीज़ है ना ज़्यादा तब समझ आएगी जब हम कॉलेज से निकल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं अभी स्कूल की बात करूँ तो अगर स्कूल के ऊपर कोई सॉन्ग बने तो अगर मैं उसकी सोचूँ कि भाई हाँ स्कूल था या उसकी यादें थी, अभी मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा कॉलेज के लिए। बट ऑब्वियसली जब ये दिन निकल जाएंगे ना, जब ये दिन निकल जाएंगे, जब हम और बड़े हो जाएंगे, तब ये सोच सोच के बहुत बुरा लगेगा। एक्चुअली बहुत रोना भी आएगा, टू बी ऑनेस्ट। मैं स्कूल से पास आउट हुई थी, बहुत रोना आया था भाई, टू बी ऑनेस्ट। अभी भी ऐसा लगता है स्कूल की जो लाइफ थी बेस्ट लाइफ थी वो, बिकॉज अभी जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। एंड आई थिंक कि बचपन ही सबसे बेस्ट होता है, लाइक स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता बच्चे को। एंड स्कूल लाइफ बेस्ट होती है, बट स्कूल से जो पहली बार लाइफ होती है जिसमें सिर्फ खाना पीना सोना, एक बच्चे की जो न्यू बॉर्न बेबी की लाइफ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइफ होती है, कि जिसमें खाना पीना सोना दैट्स इट, और कुछ आपको करना ही नहीं, कोई दिक्कत लेने की वो बात ही नहीं भाई, कोई सोचने समझने की बात ही नहीं, बिकॉज उस टाइम छोटा बच्चा क्या ही कर सकता है, सिर्फ खाता पीता सोता है दैट्स इट। बट स्कूल में भी आगे बहुत सारे बर्डन पड़ता है बच्चों के ऊपर, तो स्कूल वैसे स्कूल अच्छी लाइफ होती है, कॉलेज भी अच्छी लाइफ होती है। बट यहाँ पे इस कॉलेज का पूरा बताया गया है, मतलब कॉलेज में किस किस तरह की लाइफ हो जाती है इंसान की, ठीक है, मतलब एक बच्चे की, मतलब स्कूल से जब निकलते हैं तो स्कूल में इतना कुछ ज़्यादा यू नो खराब नहीं होते, मतलब बच्चे, ठीक है, उनको मतलब स्कूल के रेगुलेशन के साथ उनको चलना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ। बट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता, कॉलेज में आपको कोई टोकने वाला नहीं होता। लाइक मेरी जो टीचर थी स्कूल की, वो कि हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे नो पॉइंटल आते थे बना के नो चुटिया के बजाए, तो उसमें मैं बोलती थी कि तुम यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है स्कूल के तुम वही फॉलो करो, लेकिन कॉलेज में जाकर तुम ये कुछ नहीं होगा, मतलब कॉलेज में जाके तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं होगा, तुम वहाँ जाकर तुम जो करना है करना, लेकिन स्कूल में हो तो स्कूल के भी रेगुलेशन को फॉलो करो, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। एंड इट्स ट्रू, कॉलेज में आपको कोई कुछ नहीं पूछता। कॉलेज की लाइफ कह सकते हैं अच्छी भी होती है, थोड़ी बुरी भी होती है, क्योंकि बुरी क्या होती है, मतलब एक नई चीज़ आपको देखने को मिलती है, एक नई, मैं लेक्चर क्यों दे रही हूँ इस पर। तो यस, मतलब ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे बहुत सारे ऐसे फेजेस दिखाए लाइफ के, जो जो एक बच्चे की लाइफ में आते हैं, जो जो एक नो एक स्टूडेंट की लाइफ में आते हैं, जब वो कॉलेज में जाता है तो लोग नशे वगैरह करते हैं, उस सब में पड़ जाते हैं, बहुत से ऐसे आए हैं कि मतलब लड़कियों लड़की का फिर उसमें होता है जिक्र होता है, उसका पूछना, उसका हाल चाल पूछना होता है कि भाई वो कैसे, ये कहाँ है, मतलब यू नो ये सब आता है लाइफ में, कॉलेज लाइफ में डेफिनेटली होता ही होता है। बहुत अच्छा लगा सॉन्ग देखने में, हर एक चीज़ सॉन्ग में वो बहुत अच्छी थी, एंड स्पेशली वॉन जी की वॉइस बहुत अच्छी थी, मतलब मोंजी की वॉइस, आई डोंट थिंक सो कि मुझे ना इसके ऊपर और कुछ बात करने की नीड है, क्योंकि मोंजी की वॉइस हमेशा से बहुत अच्छी आती है, एंड इसमें मोंजी की वॉइस बहुत अच्छी लगी है। एंड मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छी है सॉन्ग के अंदर, वीडियो बहुत अच्छी है, जिस तरह के अलग अलग फेजेस दिखाएंगे, एक रोड पे ही अलग अलग फेजेस लाइफ के दिखाएंगे। आई लव दिस वीडियो सो मच, एंड आई होप कि आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट्स फ्री, उसके आगे जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरे को न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए आपके पास। अभी के लिए इतना ही, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए स्टे होम से बाहर मत निकले, बिकॉज कोरोना वायरस। एंड लेट्स सब मुझे कमेंट आज गाल दीगा, ठीक है, बाय। कमेंट आज गाल नहीं कटनी।